तो गाइज यार, आज हमारे पास है बॉल पेन, और इस बॉल पेन से आज हम करने जा रहे हैं अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले कैप को ओपन कर लेंगे, और कैप को ओपन करने के बाद हम इंक चैम्बर को पेन में से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है गाइज, अब हम हेयर पिन की मदद से निब को निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए गाइज, तो गाइज है ना आसान, कितनी आसानी से हमने निब को निकाल लिया। तो गाइज हमने बनाई है थर्माकोल की एक बोर्ड जो कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो गाइज हमें करना क्या है, सिंपली थर्माकोल की बैक साइड में नीचे की तरफ इंक को लगा देंगे। जो गाइज हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये देखो गाइज, हमने इंक को लगा दिया है, और अब देखते हैं मैजिक कि क्या मैजिक होने वाला है। तो गाइज मैजिक शुरू करते हैं। वाओ गाइज, अमेजिंग! और ये देखो गाइज, थर्माकोल बोट ने इंक से कितना सुंदर डिजाइन भी बना दिया है। ऑसम! ऑलराइट गाइज, एक बार और ट्राई करते हैं। तो गाइज है ना शानदार। तो गाइज यही सेम ट्रिक अब हम पत्ते के साथ भी करने वाले हैं। तो सिंपली हमें कोई भी पेड़ का पत्ता ले लेना है और उसके बैक साइड में इंक लगा देनी है, और फिर देखते हैं गाइज कि ये पत्ता पानी में डालने पर किस तरह से चलेगा। ऑलराइट गाइज, तो पत्ते पर हमने इंक को अच्छी तरह से लगा दिया है, और अब हमें देखना है मैजिक। ऑलराइट गाइज, तो फिर शुरू करते हैं। वाओ गाइज, ये हमारी वोट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है गाइज। अमेजिंग! तो गाइज ये है इंक का असली मैजिक, और इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है। अब हम बनाने जा रहे हैं पेपर बोट। जी हाँ गाइज, पेपर बोट। पेपर बोट को बनाने के लिए पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से गाइज, और उसके बाद हम पेपर की दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है हम ऊपर फोल्ड कर लेंगे इसको, और फिर ऊपर से नीचे को प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से हम रेडी कर देंगे अपनी बोट को। ये लीजिए गाइज, हमारी पेपर बोट बनकर तैयार हो गई। अब हम पेपर बोट की बैक साइड में इंक को लगा देंगे। और ये हमारी पेपर बोट पानी पर चलने के लिए तैयार हो गई है। हमारी पेपर बोट पानी पर कितने अच्छे से चल रही है। एक्चुअली गाइज, ऐसा इसलिए होता है कि इंक पानी को रिपेल करती है, और ये सब कुछ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसी वजह से इंक पानी में तेजी से फैल जाती है, और उसी वजह से इंक थर्माकोल बोट या पत्ते को भी आसानी से तैराती है, और ये रिएक्शन काफी देर तक चलती रहती है।
तो गाइज ये थे हमारे कुछ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट और आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।